हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल में। दोस्तों, शांति शिक्षा एवं सतत विकास सब्जेक्ट यहाँ पर पूरा उसको हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो एक लाइन से पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों शांति अभिवृत्ति तो अहिंसा एवं करुणा है, न्याय भी है, मस्तिष्क का खुलापन भी है, लेकिन जो हिंसा एवं विवाद है ये शांति अभिवृत्ति नहीं है। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, योग दर्शन के प्रणेता दोस्तों, जिसने भी हम लोगों का सुपर फास्ट रिविजन देखा होगा उन सबने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा, क्योंकि दोनों 2016 और 2017 दोनों के डीएलएड पेपर में दोस्तों सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो योग दर्शन के प्रणेता हैं पतंजलि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व करवाए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर वहां पर लिंक दी हुई है, वहां से आप अपने पेपर को मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शांति कौशलों का आधार है। ऑप्शंस हैं तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक अस्थिरता, संकीर्ण विचार। दोस्तों, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सृजनात्मकता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है। दोस्तों, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहलाता है आक्रामकता। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 में थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, यहाँ पर पूर्णानंद दिया है, यहाँ पर संपूर्णानंद दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में कौन कौन से व्यक्ति कौशल विकसित किया जाना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों इसका आंसर आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा होगा। शांति शिक्षा का अर्थ ये है, बिना किसी को हानि पहुंचाए अपने उद्देश्यों को बहुत ही सरल ढंग से करना, जिससे कि आपके समाज में समुदाय में भी लोगों को इससे लाभ हो, ठीक है। तो एक विद्यार्थी के रूप में आपको सोचकर यहाँ पर कुछ लाइनें इसके अंदर यहाँ पर लिखनी थी शांति शिक्षा में, ठीक है, या प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, चरित्र का निर्माण करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करिए। दोस्तों, चरित्र का निर्माण करने में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? आपके परिवार का, यानी कि आपके माता पिता पेरेंट्स का, इसके अलावा आपके विद्यालय में आपके गुरुजनों का। तो ये दो दो कारक है, ये प्रमुख रूप से आपके चरित्र निर्माण में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। फिर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, साइबर बुलिंग से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, आजकल इंटरनेट से सारी चीजें हो रही हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर साइबर बुलिंग से तात्पर्य यही है कि किसी को इंटरनेट के माध्यम से धमकाना, डराना, ठीक है, या असंयमित व्यवहार दिखाना, ठीक है। तो ये होता है ये साइबर बुलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मानवाधिकार शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर भी बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा होगा। यहाँ पर देखिए, तनाव कम करने की किन्हीं दो अप्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख करिए। दोस्तों, इसका भी उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से और दो अप्रत्यक्ष विधियों को बहुत ही क्लियर तरीके से लिखा होगा। दोस्तों, अगर लिखा होगा तो डेफिनेटली आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे ही। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, SGD का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसका हिंदी होता है सतत विकास लक्ष्यों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर अपना मिला लिया होगा और आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का सही भी होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों के जितने भी मार्क्स आ रहे होंगे मैं जरूर दोस्तों टाइप करके बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है, इससे हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों दोस्तों हम लोग अपने चैनल पर DLED, यूपी टेट, सी टेट सभी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं दोस्तों, वो भी हैंड रिटन नोट्स। इसके अलावा हम जितने भी वीडियो बनाते हैं उन सबका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। दोस्तों, इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।